प्रसादा धरणी धरु हम पुत्रों के ब्राह्मणों के प्रसाद से धरणी पति राजा विप्रा प्रसादा कमला भरु हम कमलापति राम ब्राह्मणों के प्रसाद से हूँ और मेरा नाम राम ब्राह्मण देव का नाम कौन ब्राह्मण देवता करता है तुम्हारी कृपा से मेरा नाम आपकी कृपा से क्या ब्राह्मण तो नहीं हूँ ये ब्राह्मण देवता कास्तम निगूढ़स्य विजानाम विमर्श सूत्रम कथमो अवधूत देशाम हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो आपके गले में मुझे जनेऊ दिखता है उसमें आप ब्राह्मण देवता है क्यों विभिन्न आपने पहन रखा है आप कोई मरीज आदि कोई दस ऋषियों में ऋषि तो नहीं है कोई मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा है आप क्या भगवान दत्तात्रेय तो नहीं है अवधूत में इसमें मेरी परीक्षा के लिए आए हैं आज राजा रघुगढ़ हाथ जोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं आप क्यों आप भगवान कपिल तो नहीं है जिनके पास मैं ज्ञान लेने के लिए जा रहा हूँ क्या भगवान कपिल तो नहीं है मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही है ना हम विसंगे सुरराज वज्रान प्रक्षशूलान वस्त्रदंडा हे ब्राह्मण देव नायम विसंगे सुरराज वज्रान असुरराज वज्रान हे ब्राह्मण देवता इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूँ इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूँ और शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूँ और ना अग्नि से डरता हूँ सूर्य से डरता हूँ चंद्रमा से डरता हूँ मैं अस्त्र से डरता हूँ मैं शस्त्र से डरता हूँ डरता किससे ब्राह्मण देवता से मुझे और चीज का कोई भय नहीं है ब्राह्मण साफ देगा तो ऐसा ना हो जाए जिस सरकारी ऋषियों को जो है इसने साफ दिया और जय विजय के जो भगवान के द्वारपाल थे वो राक्षस बना था ऐसा ना हो जाए और बोल रहे हैं विप्र साप बिनु सुनु मही पाला तूर्णाश नहीं कबनी काला ब्राह्मणों का साप बड़ा भयंकर होता है ब्राह्मण देवता आप कौन हो मेरी परीक्षा लेने के लिए आप कोई महान कोई परम संजी लग रहे हैं मुझे सभा कर दो और बोल रहे हैं मेरे अंदर अज्ञान आ गया कह रहे हैं अस नहीं कु अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाय मदनाई अस को अस जन्मा जग माई नहीं अस को जन्मा जग माई प्रभुता पाई जाय मदनाई ये भगवान आप कौन हो ब्राह्मण देवता कोई मुझे कोई संत लग रहे हो कोई देव कोई ऋषि लग रहे हो मुझे अभिमान आ गया है संसार में शायद ऐसा कोई होगा पद का जिसको मत न और मुझे भी शायद अपने पद का अभिमान हो गया है मुझे क्षमा करो मुझे क्षमा करो आप जैसे संतोषी ब्राह्मण है मैंने आज तक नहीं देखे आज क्षमा मांगी आप विद्वानों जैसी बात करते हो अकोविदा कोविदवार वास्तयु नाथिदा वरिष्ठ आप कोई श्रेष्ठ विद्वान कोई पंडित लगते हो मुझे क्षमा कीजिए और फिर बोले मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो मन मना भव मध्याजी माम नमस्कार मन जो है बंधन और मोक्ष का कारण है ये ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करो और आज प्रार्थना करी नमो नमः कारण विग्रहाय नमो
मूलमा कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत युगबन्धुलिङ्गम् निगूढ नित्यानुभवाय तुभ्यम् निगूढ नित्यम् भवाय तुभ्यम् कि ब्राह्मण देवता आप कोई जो है परम कोई पुरुष है जिनकी वाणी से मुझे आज परम आनंद आ गया है। आपने मुझे यही पर ज्ञान दे दिया है। मैं तो कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन आप अवधूत के बीच में ही अपने शरीर को आपने ढका रखा है, किसी को पता नहीं है आप कौन हो। आपने मुझे यहाँ पर ज्ञान दे दिया तो आज अपना परिचय दिया। भरत जी ने बोला मैं एक रघुगण राजा था, मैं भी राजा था और मैंने भी जो है बहुत राजपाट किया, लेकिन मुझे संसार से विरक्ति हो गई थी और फिर मृग योनि में गया। मृग योनि से अब मैं इस योनि में आ रखा हूँ, निरंतर भगवान का भजन कर रहा हूँ। ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है। आज रघुगण बोला धन्य है प्रभु, मेरा अहंकार मेरा ज्ञान आपने थोड़े समय में नष्ट कर दिया। बोले रघुगण महाराज की, भरत जी महाराज।